नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 18 मई से देश में चौथे चरण का लॉकडाउन लागू हो गया। ये लॉकडाउन 31 मई तक चलेगा। लॉकडाउन के दौरान आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगी हुई है और बिना पास के किसी को भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। यात्रा पास के लिए जरूरतमंद अभी तक अलग अलग राज्यों में अप्लाई करते थे, लेकिन अब भारत सरकार ने एक नई वेबसाइट बना दी है जहां देश भर के अलग अलग राज्यों में यात्रा करने के लिए कोविड ई परमिट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। www.serviceonline.gov.in/ePass वेब पेज को नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC ने डेवलप किया है। बता दें कि अभी इस वेबसाइट पर 17 राज्यों के ई परमिट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ट्रैवल के लिए लॉकडाउन परमिट पास को ट्रैवल की कुछ निश्चित कैटेगरी के तहत ही ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इन कैटेगरी में स्टूडेंट्स, जरूरी सर्विसेज प्रोवाइडर, टूरिस्ट, तीर्थयात्री, इमरजेंसी मेडिकल ट्रैवल और शादी शामिल है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद अप्लाई फॉर ई पास पर सिलेक्ट करना होगा और फिर वो राज्य चुनना होगा जिसके लिए पास चाहते हैं। इसके बाद ये वेबसाइट आपको उस राज्य की ई पास वेबसाइट पर ले जाएगी जहां पर आप अपने पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेब पेज पर दी गई जानकारी के मुताबिक कोई इंडिविजुअल ग्रुप इस सर्विस का इस्तेमाल कर मूवमेंट पास के लिए अप्लाई कर सकता है। जो लोग इस सर्विस के जरिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें अनिवार्य जानकारियां देनी होंगी। उन्हें ई पास के लिए अप्लाई करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी भी जमा कराने की जरूरत होगी। इसके अलावा OTP वेरिफिकेशन के लिए एक एक्टिव मोबाइल नंबर भी जरूरी है। वेब पेज पर एक बार एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आवेदक को एक रेफरेंस नंबर मिलता है जिसे आवेदक एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पास जारी किया जाता है तो इस पर आवेदक का नाम, पता, वैलिडिटी और QR कोड रहता है। पास जारी होने के बाद आवेदक के पास यात्रा करते समय सॉफ्ट या हार्ड कॉपी होनी चाहिए ताकि जब सुरक्षा कर्मी ई पास के बारे में पूछे तो आप उन्हें दिखा सके। वेबसाइट के अनुसार अब तक 32,87,519 लोगों ने ई पास के लिए अप्लाई किया है, जिनमें से 11,29,277 लोगों को ई पास इशू किया गया है। 9,77,410 लोगों की एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है तो वहीं 11,80,832 लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट किए जा चुके हैं।